एक बालिका के कुएं में गिर जाने की खबर ने सतना से लेकर भोपाल तक हड़कंप मचा दिया। स्टेट कमांडर सेंटर ने आनंद फानन में रेस्क्यू टीम भेज दी, जिसने घंटों खाक छानी, कुएं का पानी भी बाहर निकाल फेंका, लेकिन देर शाम तक चली कवायद के बाद वह बालिका कुएं में नहीं बल्कि अपने घर के अंदर ही मिली। हासिल जानकारी के मुताबिक स्टेट कमांड सेंटर को बुधवार की दोपहर खबर मिली कि 10 वर्ष की सेजल सिंह, पिता राम नरेश सिंह, सतना जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के जजनगरा गांव के कुएं में गिर गई है। स्टेट कमांडर सेंटर के निर्देश पर SDRF की टीम और होमगार्ड के जवान जजनगरा पहुंचे और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कुएं में पानी ज्यादा था, लिहाजा फ्लोटिंग पंप का बंदोबस्त किया गया और कुएं के पानी को बाहर निकाला जाने लगा। कोई हैरान परेशान था और सभी ने जिज्ञासा भी थी, लिहाजा वहां भीड़ भी जमा थी। बालिका की तलाश में रेस्क्यू टीम के सदस्य पानी में उतरे और गांव के अमरजीत सिंह गोट, गोरे सिंह गोट और रामू प्रसाद बुनकर भी कुएं के अंदर गए। सब ने खूब तलाशा, लेकिन कुएं के अंदर सेजल का पता नहीं चला। पंप के जरिए कुएं का पानी भी बाहर निकाल फेंका गया, लेकिन सेजल फिर भी नहीं मिली। देर शाम तक घंटों चली तलाश के बावजूद सेजल का पता ना चलने पर परिजन जहां निराश थे, वहीं रेस्क्यू टीम भी हैरान थी कि अगर बालिका कुएं में गिरी है तो फिर आखिर मिली क्यों नहीं। तमाम आशंकाओं और चिंता के बीच परिजनों से एक बार अन्य स्थानों पर भी तलाश करने को कहा गया। जब परिजनों ने दोबारा प्रयास किया और वे घर पहुंचे तो सेजल घर के अंदर ही डरी सहमी छिपी मिली। दरअसल सेजल कुएं में नहाने गई थी, लेकिन रस्सी बाल्टी पानी में डूब गई। डांट के डर से वह लोटा और अपने कपड़े वहीं छोड़कर घर में छिपकर बैठ गई। कपड़े, चप्पल और लोटा कुएं के पास होने के बावजूद सेजल के ना दिखने पर परिजनों ने समझा कि वह कुएं में गिर गई है।